नमस्कार, मैं प्रदीप योगी और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ जिले और मंदसौर जिले की देर शाम की तमाम खबरें। भवानी मंडी में पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा के पोते ने थार गाड़ी से दो बच्चों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोट आई है, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ दोनों का इलाज जारी हुआ है। वहीं घायल हुए बच्चे के ताऊजी कैलाश नट ने बताया कि मांडवी के पास नट समाज की शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान महिलाएं ढोली कलश लेकर निकल रही थी। उन्हीं के साथ दो बच्चे रईस 10 वर्षीय पिता राजू नट निवासी खकड़िया जिला आगर व संदीप 11 वर्षीय पिता लक्ष्मीचंद निवासी गन्नावत जिला झालावाड़ भी साथ चल रहे थे। तभी सामने से आ रही तेज थार गाड़ी को धीरे करने का इशारा किया गया, जिससे पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा के पोते आदित्य बोरा चला रहा था। तभी गाड़ी दोनों बच्चों को टक्कर मारती हुई निकल गई। तभी लोगों ने मोड़ पर खड़ी गाड़ी को रोक लिया और आदित्य को गाड़ी से निकालकर उसकी पिटाई कर डाली। इतना ही नहीं, गुस्साई महिलाओं ने गाड़ी से सभी कांच फोड़ डाले। वहीं घायल हुए दोनों बच्चों को उनके माता पिता राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दोनों का इलाज जारी है। वहीं मामले का पता लगने पर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा व पुलिस भी अस्पताल पहुंची और जहां घायल हुए बच्चों के परिवार का बोरा को सामना करना पड़ा। इस दौरान बोरा ने दोनों बच्चों के इलाज में किसी तरह की कमी न आने की डॉक्टर को बात कही। वहीं मामले को देख फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। भवानी मंडी सब्जी मंडी में हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। शहर में चल रही सब्जी मंडी की सभी दुकानें अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखी जा रही। साथ ही सब्जी मंडी की जगह पर सुबह से पालिका को सदबुद्धि दिलाने के लिए सब्जी के रिटेल और होलसेल व्यापारियों ने सदबुद्धि का आयोजन किया। वहीं सब्जी मंडी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जब्बार चौधरी ने बताया कि जब तक पालिका द्वारा ये जमीन नीलाम की जा रही है, जिससे हम व्यापारी और छोटे बड़े सब्जी के दुकानदार अपना जीवन कैसे चलाएंगे, और शहर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहां सब्जी मंडी बन सके। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी रूप से नक्शा बनाकर देने से कुछ नहीं होता, जब तक पालिका द्वारा हमें लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। नहीं, गौरतलब है कि सब्जी मंडी में हो रही हड़ताल से शहर के लोगों को खाने के लिए सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साथ ही मजदूर वर्ग के लोगों को सब्जी बेचकर अपना घर चलाते थे, लेकिन इस हड़ताल ने पूरा साथ दे रही है, जिसके चलते उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में समस्याएं आ रही है। सब्जी बेचकर 300 से 400 रुपए की दिहाड़ी होती है, वहीं ये नहीं हो रहे हैं। साथ ही शहर में लगभग 500 दुकानें सब्जी की लगती है, जो कि पूर्ण रूप से बंद रखी हुई है। वहीं मकसूद मंसूरी ने बताया कि आज से लगभग 30 साल पूर्व सब्जी मंडी की जगह पर कच्ची बस्ती हुआ करती थी, जिसे सब्जी मंडी बनाने के नाम पर यहां खाली करवाया गया था, लेकिन उसी जमीन पर सब्जी मंडी के निर्माण करवाने की बजाय पालिका नीलामी कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी मामले में वह इस पूरे मामले में आज 1:30 बजे उपखंड कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, वहीं जिसमें खंड अधिकारी कमल कुमार मीणा, पुलिस उपाधीक्षक किशोर सिंह, वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा और सब्जी विक्रेता के 5 प्रतिनिधि मौजूद रहे। एक घंटे तक चली बैठक में कई तरह के समाधान को लेकर चर्चा की गई। बाद में SDM कमल कुमार मीणा ने मौके पर पहुंचकर सब्जी मंडी का निरीक्षण किया, साथ ही नगर पालिका प्रशासन मौजूद रहा। वहीं भवानी मंडी के थोक व रिटेल सब्जी विक्रेता 3 दिनों से सब्जी नहीं लगा रहे हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है। वहीं SDM ने के कुछ आश्वासन के बाद देखना होगा कि नीलामी कैसे होती है। बीती रात अचानक हुई तेज बारिश के कारण मंदसौर कृषि उपज मंडी में किसानों द्वारा अपनी लहसुन की उपज बेचने के लिए लाए थे, लेकिन किसानों द्वारा प्लेटफॉर्म के नीचे अपनी फसल को नीलाम होने के लिए रखा था, लेकिन बारिश के कारण लहसुन बहने लगी और लहसुन गीली हो जाने के कारण खराब होने लगी। कृषि उपज मंडी समिति की लापरवाही के चलते अन्नदाता किसान अपनी उपज को अपनी आंखों के सामने बारिश में बिकते हुए देख रहा था, लेकिन असहाय किसान इस कुदरती आफत के सामने कुछ ना कर सका। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान में मंदसौर YD नगर थाने पर एडिशनल SP गौतम सिंह सोलंकी व CSP द्वारा जब्त वाहनों की नीलामी व निराकरण के लिए निरीक्षण किया गया। एडिशनल SP गौतम सिंह सोलंकी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जब्त वाहनों की नीलामी निराकरण के लिए प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत मंदसौर जिले में 16 थाने में भी इसी तरह निरीक्षण कर वाहनों की गिनती की जा रही है। मंदसौर जिले में लगभग 2000 वाहन है जिनकी नीलामी और निराकरण का कार्य करना है, उसी को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मंदसौर कोतवाली थाने की बात करें तो यहाँ पर लगभग 400 वाहन है जिनकी नीलामी निराकरण करना है।
पनवाड़ में ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में लगी विद्युत लाइनें खेतों में झुकी हुई थी, जिसकी खबर 24 न्यूज ने 29 मई को खबर प्रकाशित की गई थी और आज किसान के खेत के पोल और तार को सही किया। वहीं बिशनखेड़ी जीएस से ट्यूबवेलों के लिए लगी 11 केवी विद्युत लाइनें बागोद गांव का था मामला। चोमेला पड़ालिया ग्राम पंचायत के हंडनीखेड़ा गांव में खेत मालिक देवीलाल के पुत्र शिवलाल मेहर ने बताया कि उनके खेत में होकर जा रही विद्युत लाइन के तार काफी नीचे होकर एक डीपी से दूसरी डीपी तक जा रहे थे। इनको ऊंचा उठाने के लिए कई बार विद्युत विभाग को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमने बॉस से ऊंचा उठा रखा है। 4 मई को सुबह 9 बजे के लगभग खाद डालने के दौरान युवक लाल सिंह पुत्र गोकुल सिंह व गोपाल मेहर नामक युवक बिजली के तारों की चपेट में आए, जिसके चलते लाल सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ, जिनको CHC चोमेला पर प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे आ दूर देश रहे मामला अब गाको साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा
मदर्स लैब ए प्ले स्कूल द फ्यूचर बिगिंस हियर एडमिशन ओपन नर्सरी एलकेजी एचकेजी बेनिफिट ऑफ आवर क्लासेस स्मॉल क्लास साइज लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान डेडिकेट टीचर एंड स्टाफ हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422 9887267439 हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर वृंदावन गार्डन के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भवानी मंडी राजस्थान।